हेलो, गुड मॉर्निंग द बैरी दौला और सबको जय 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 जीसु। श्री। आज शुक्रवार है और हम लोग जो रांची आए तो आज दूसरा दिन हो गया है ना। और अभी कहाँ जा रहे हैं? उधर हम कुछ जायदाद खरीद के रखे हैं। हाँ, कभी तो दिखलाए हैं आप सबों को, है ना। तो जाते हैं, थोड़ा वो सही सलामत है या नहीं नवा है। सोसो बोलते हैं, उधर में थोड़ा सा जमीन है तो कांके के पीछे नहीं, कांके डैम के पीछे। ठीक, कांके डैम जहाँ लास्ट होता है वहाँ। तो चलिए, आप लोग बने रहिए और यदि पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक लाइक शेयर शेयर और और कमेंट कमेंट कर कर दीजिएगा, दीजिएगा। हाँ, और जो नए फ्रेंड्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर जरूर से से। कर। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा जरूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। हाँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज दूसरा दिन, यानी कि क्या रांची आया हुआ दूसरा दिन है ना। चलिए, हम लोगों के साथ आप लोग बने जाने के तो हम लोग निकले, लेकिन गाड़ी जो है ना पंचर हो गया था तो गाड़ी को बनवा रहे हैं, मतलब कि टायर पंचर हो गया है। टायर को भी देखिए मिस्त्री के पास लाए हैं, भाई जी चेक कर रहे हैं, देखते हैं कितना बड़ा पंचर निकलता है। एक ठो निकलता है, दो ठो निकलता है, उसके बाद फिर चलेंगे। कहना चाहिए कि मुसीबतें कब आएगी, कहना कहानी मुश्किल मुश्किल है। मुसीबत कभी बता के नहीं आता है ना। अभी हम लोग जाने के लिए निकले और गाड़ी पंचर हो गई। तो चलिए, बने रहिए, बनता है उसके बाद हम लोग जाते हैं। है भैया पंचर। चलिए ठीक, साठ पार्ट दीजिए इसको। एक पंचर मिला और उसमें कांटी लगा हुआ था, तो कांटे निकाल दिए हैं, पंचर बना दिए हैं भैया, और टायर ट्यूब का लगा देना है, उसके बाद स्कूटी में लगवाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं देखते हैं। मुस्की मार रहे हैं, बोलिए। बोलना क्या, जो बोलना है तो बोलिए। गाड़ी बनवा के हम लोग आ गए यहाँ तक, ये क्या कांके डैम, कांके डैम। कांके डैम के ऊपर में ही है, उसमें तो पुल बना हुआ, उसके ऊपर में अभी है। आप लोग को दिखाते हैं इसके फ्रंट कैमरा से उधर का सीन, दिखाइए। दिखलाते हैं। नाश्ता वास्ता तो बना नहीं, जो बना था वो खा नहीं पाए, तो ये बनाना का नाश्ता हो रहा है ना। और बैक कैमरे से दिखलाते हैं आप सब उनको कहाँ का कांके डैम का सीन। रॉक गार्डन के ऊपर, अरे रॉक गार्डन तो उधर में है। हाँ, दिखलाते हैं। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है वो कांके डैम है, दूर दूर तक दिखाई पड़ रहा। और एकदम बहुत दूर में आगे आप सब उनको रॉक गार्डन दिखाई पड़ रहा है, जहाँ वो बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा है ना, उसके बगल में ही वो रॉक गार्डन है ना। तो और इधर देखिए, रांची से काफ़ी दूर है, उसके बाद भी इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। और ये पुल में हम लोग खड़े हैं, जिस पुल पे, इस पुल से होकर के आगे जब जाएंगे तो हमारा क्या है, जयजाद ना जी। साहब जयजाद खरीद के रखे हैं, हम लोग भी वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए। कहना यही चाहेंगे कि बहुत कड़ी मेहनत करके वो कर्ज वाले घर और अभी जो जमीन, वो भी कर्जे पर ही लिया हुआ था, क्या कर्ज ही था ना। हाँ, तो हर चीज बहुत मेहनत करना पड़ा है हम लोगों को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, है ना। और जिस दिन हमारे बच्चे जॉब में आ जाएंगे, उस दिन हम लोग अपने आप को थोड़ा सक्सेस समझेंगे। अभी तक वे लोग जॉब में नहीं आए हैं, तब तक थोड़ा मायूस हैं हम लोग। तो चलिए जाते हैं। आ गिरा, हम लोग जाते हैं, उसके बाद दिखलाते हैं अपने जगह को। ये देखिए, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ये हमारे सागवान के वृक्ष, मतलब वृक्षारोपण करवाए हैं ज़मीन पे। और इधर बैक कैमरे से दिखलाते हैं, और कुछ कुछ हमारी मकान मालकिन लगाई है। मकान मालकिन नहीं, ज़मीन मालकिन। तो दिखलाते हैं, ठीक है। ये बैक कैमरे से दिखलाते हैं।
पेड़ में कोई रंगत नहीं है, इसमें इतना हम लोग खर्च कर रहे हैं, कोई जानते तो बतलाइएगा। तो टमाटर लगे हुए हैं, गोभी, बंदा गोभी है ना, बंदा गोभी। इधर मामू और मामी टमाटर तोड़ रहे हैं हम लोगों का ले जाने के लिए। इधर में प्याज लगे हुए हैं, देखिए ये हमारा स्कूटी। इधर से देखिए प्याज साग, ये कद्दू पूरे लगे हुए हैं। हाँ अरे हाँ, इधर में बैगन पूरा फूल आ गया, फूल आ गया है, फल आएंगे अब। और उधर में क्या बोलता है उसको, कोई सेम है, पता नहीं क्या बोलते हैं, चट्टो सेम भी हम लोग बोलते हैं। अच्छा कुड़ुख में चट्टो सेम भी बोला जाता है। और इधर में गेहूं लगे हुए हैं, मुर्गे और मुर्गा मुर्गी भी पाला हुआ, बकरी भी है, बकरी तो नहीं दिखला पाए, दिखलाएंगे आप सब उनको। और इधर में गेहूं, मैं गेहूं के खेत में थोड़ा खिंचाती हूँ। बोलिए वहाँ। देखिए मैडम, गेहूं मामा जी लोग रोपे हैं और उसे मैं भी सुबह, मतलब कि पक ही गया गेहूं, उसको काटना है, तो हम लोग ठीक टाइम पे आए हैं। तो मैडम को भी ज़रा एंजॉय करने की इच्छा किए, तो गेहूँ को खेत में घुस करके, कभी सरसों के खेत में, कभी सरसों के खेत में, कभी गेहूँ के खेत में। चलिए ये गेहूं है, हमारे बहुत सारे बच्चे लोग नहीं जानते हैं, शहर के बच्चे लोग, तो इसे गेहूं कहा जाता है। तो यहीं पर हम लोग आए हैं मामू लोगों के यहाँ। ये मामू है, हाँ खनहिला बाचा, हाँ नीनेथर आदय, ठीक नहीं बोला, बैक कैमरा से दिखलाते हैं अभी हम, देखिए बैक कैमरा से एरा। हाँ आज काम करने नहीं गए थे, और देखिए घर आने से आलू मिल रहा है, इधर टमाटर मिल रहा है, प्याज का साग, और इधर प्याज का साग मिल रहा है। कबाड़ा हुआ है, हाँ देख मामी तनी कुन्ही ने देख बोले, हाँ ए दे मामी। हाँ तो आलू टमाटर प्याज ये सब चीज लेके जा रहे हैं हम लोग। साग सब्जी भाजी के अलावे मुर्गी भी पालन किया है ये लोग, और ये बकरी भी पालन। और यहाँ जितना बड़ा हमारा 3-4 परिवार का जमीन है उसकी देखभाल भी ये लोग करते हैं यहाँ पर। और ये हमारा ज़रूरत के हिसाब से कुआं, और इधर में इनका घर, और उधर जमीन तरफ से तो हम लोग कब का आ चुके थे है ना, लेकिन वीडियो का अंत नहीं कर पाए थे, और अभी जा रहे हैं बिल जमा करने के लिए। और हमारा ये छोटा सा अपडेट काके डैम और पतझड़ के मौसम में हमारे सागवान के पौधे, गेहूं के खेत, ये सब आप लोगों को कैसा लगा। यदि पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसी के साथ आज का ये छोटा सा ब्लॉग का अंत करते हैं। और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा है ना। तो और उधर से आते वक्त बहुत सारे मार्केटिंग किए हैं, वो अगला ब्लॉग में जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब उनको बाय बाय।